हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। साउथ के सुपरस्टार प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म साहू रिलीज हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। बाहुबली की बम्पर सक्सेस के बाद प्रभास को दोबारा थिएटर्स पर देखने का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। बाहुबली 2 के करीब 2 साल बाद प्रभास अपनी इस फिल्म के साथ थिएटर्स पहुंचे हैं। प्रभास की फिल्म साहू के ट्रेलर से भी दर्शकों में फिल्म के लिए भारी क्रेज दिख रहा है, लेकिन इसका फायदा फिल्म पूरी तरह से नहीं उठा पा रही है। दरअसल फिल्म की रिलीज से पहले ही इसकी बम्पर एडवांस बुकिंग हुई थी, लेकिन यूपी समेत नॉर्थ इंडिया की कई जगहों पर फिल्म के प्रिंट्स वक्त से नहीं पहुंच पाए हैं। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट की माने तो इस वजह से फिल्म की हिंदी रिलीज पर असर हुआ है और कई जगह मॉर्निंग शो शुरू ही नहीं हो पाए। ऐसे में यह खबर मेकर्स को भारी चूना लगा सकती है। कई जगह फिल्म के प्रिंट्स लेट पहुंचे हैं तो कई जगह अभी तक पहुंचे ही नहीं हैं। कहा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम तेलुगु प्रिंट से ज़्यादा हिंदी प्रिंट्स में आ रही है। हिंदी वर्जन में हुई प्रिंट को प्री सेल से 8.50 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं, जबकि ये आंकड़ा 10 करोड़ रुपए पार कर सकता था। खबरों की माने तो साहू के प्रिंट सही टाइम पर ना पहुंचने के चलते कई शोज रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में इस फिल्म के कारोबार के लिए ये एक बेहद बुरी खबर हो सकती है। यूं कहे कि फिल्म को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। बता दें कि फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हैं, वहीं दर्शकों की तरफ से भी इस फिल्म को मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। सुजीत के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए है। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि साहू बॉक्स ऑफिस पर क्या धूम मचाती है। वैसे आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जी और अनिल जी, हालांकि 30th को आप लोगों के पास कोई कंपटीशन नहीं है, फिर भी कितने थिएटर्स में आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि इंडियन ऑडियंस जो यूपी बिहार के लोग भी इसको देखना चाहते हैं साहू को। हिंदी बेल्ट सो इट विल बी वन ऑफ द वाइडेस्ट रिलीजेस, बहुत वाइड जाएगी। कुछ आंकड़े अराउंड 4,500, ये बहुत लैंग्वेजेस में रिलीज। दिस इज ओनली इन नॉर्थ इंडिया, साउथ विल बी सेपरेट, सो दैट ओनली आई थिंक द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द साउथ कैन से। प्रैक्टिकली इन ऑल द स्क्रीन्स, एक्चुअली इफ यू से इन नॉर्दर्न इंडिया, इन ऑल द स्क्रीन्स विल बी पुटिंग दिस। श्रद्धा, आपने बागी के समय हमें कहा था कि आपको वो एक्शन नहीं करने मिले टाइगर के रहते जो आप करना चाहती थी, तो इस फिल्म में आपकी वो ख्वाहिश पूरी हुई? जितना आई थिंक स्क्रिप्ट का डिमांड था और जितना मुझसे हो पाया मैंने किया, एंड आई थिंक कि मैं बहुत ही आई एम इन वेरी गुड हैंड्स एज यू सॉ द ट्रेलर, सो नो मैटर व्हाट हैपेंस दे विल मेक मी लुक गुड, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। प्रभास गारू, वेलकम टू मुंबई। इकड़े इकड़े उंदी प्रभास गारू, वेलकम टू मुंबई। मीरु कैरेक्टर एमंडी, व्हाट इज योर कैरेक्टर? Yeah, we showed him as a police, so he saw it, right? So, yes, can you ask in English? Yeah, my character is like, he's a police officer, but you know, the situations and all turn into different ways, so you need to watch the film after that. Okay, have you dubbed it in Hindi or somebody dubbing on your face? No, that's my voice there. Okay. Was it difficult? Yeah, like to speak Hindi certain words? Yeah, I can read and write Hindi, but we don't speak at home, so it was a little difficult, but yeah, I managed. Prabhas sir, yo. Yeah. Hi. Congratulations to you and the whole team. Thank you, sir. Welcome to Bollywood. Thank you, sir. My question to you, sir, when we saw the teaser, it was like it started as the biggest thriller, and now we got to know why it is called the biggest thriller. What do you want to say about this film? Because not only as an artist, what do you want to say about it? Because this is your next film right after Bahubali, and you have spent your 5 years into one film, living one character, and now stepping into another huge world. Yeah. So overall, what was the experience? Please tell us about it. Yeah, coming out of Bahubali was not easy. It was a little difficult. But even this film, we took 2 years. I think my fans are going to kill me for that. But, you know, yeah, Sujit designed this film in, this film is mostly on the screenplay based. So there are like a lot of twists and turns. It's very interesting the way he wrote the script.
So it's interesting for me. Hope the audience say that they like the character. Definitely they will. Shraddha, my question to you. Mera aapse yahi pe. Yeah. Shraddha, is saal aapki teen filmen aa jayengi with Chichore, Street Dancer and Sawan. You have shot back to back if I'm not wrong for this for these three, right? So how do you used to manage? Matlab ek film mein aapko dance karna hai out and out. It's a romantic thriller. Ek mein action hai. So what do you want to say about it? मैं बस ये कहूँगी कि बहुत मेरी बॉडी बहुत दुख रही है बहुत ही और बहुत फिजिकली इंटेंस साल रहा है और स्ट्रीट डांसर एक्चुअली अगले साल रिलीज़ हो रही है सो आई हैव सॉरी यस यस वी शॉट इट एंड तो ऐसा आई मीन फील हो रहा है कि थोड़ा सा आराम मिले पर अभी वो अभी प्रमोशंस भी शुरू हो गए बट आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज बहुत ही बड़ी बात है कि आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अमेजिंग मूवीज एंड दिस इज़ माई फर्स्ट मल्टीलिंगुअल फिल्म साहो एंड आई थिंक दैट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर वर्ल्ड साहो डे ऑन द 30th. मेरा सवाल फिल्म के प्रोड्यूसर से है. मेरा सवाल फिल्म के प्रोड्यूसर से है कि जिस उम्र में असिस्टेंट बनते हैं उस उम्र में सुजीत डायरेक्टर बन गए फिल्म के, तो किस तरह से कैसे विश्वास किया उन पर इतनी बड़ी फिल्म ये झेल पाएंगे बना पाएंगे? द बिग फिल्म इज नॉट अबाउट द बिग नेम बट द टाइम ही हैज स्पेंड फॉर द फिल्म दैट मेड द फिल्म बिग. I think he has dedicated 4 years of his time and paid it. Good evening, everyone. Hello. This side, yeah. Good evening, everyone. This is Shubhajit from IWM Buzz. Prabha, sir. Yes, and your left, sir. Yes, sir. Yeah. First of all, many, many congratulations for Bahubali. And my first question is to you that, everybody knows that Bahubali was such a big hit. So do you think that Saho is going to follow up that? No, Bahubali is different. Made history, so this we just want to entertain this audience who watched Bahubali and my fans. We're just trying that there's nothing compared to Bahubali. Thank you. And Shraddha, the next question is to you that this film is releasing and the next film, that is Chichore, it's releasing in a week's time. So how do you look at the release pattern? I think the fact that both the movies are so different from each other and I got to be a part of both the films, I think lucky me that I get to come on the big screen in such a short duration. Yeah. Hi, Prabhas. This side. Oh, hi. Prabhas, iske action ki, Saho ke action ki bahut appreciation mil rahi hai. Yeah. And comparison ho raha hai Dhoom series ke action ke saath. So what you have to say? No, I think this is very different because there's bike shots and all, you feel like that. But when you see the film, this is completely different film. It's different. That's a different film. Hello, this side, Prabhas and Shraddha. This side. Hi. Hi. First of all, fantabulous trailer. This is Jyoti from Movies Adda. सबसे पहले तो मैं जाना चाहूँगी श्रद्धा और प्रभास दोनों से ही कि क्योंकि आप लोगों ने मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में फिल्म को ऑफकोर्स आवाज़ भी दी है और एक्शन भी है जब सब कुछ है तो एक दूसरे को कोई टिप्स दे रहे थे आपने उनको हिंदी में हेल्प की और यू हैव हेल्प्ड हर इन द अदर लैंग्वेजेस. आई डिडंट हेल्प हर इन तेलुगु, शी वाज वेरी गुड, बट इन हिंदी शी हेल्प मी अ लॉट. सो हाउ वाज द होल माहौल, कैसा रहता था सेट पे, बिहाइंड द सेट, कैसा आपका एक्सपीरियंस था श्रद्धा प्रभास के साथ काम करने का, एंड सेम फॉर यू? आई थिंक मैं जितना बोलूँ वो कम है. एक्चुअली द होल टीम यूवी क्रिएशंस, व्हेन आई वाज इन हैदराबाद, दे टुक मी एज अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली एंड वी शॉट दिस फिल्म विद इन 2 years. सो एवरी टाइम दैट आई वुड गो देयर, हैदराबाद एक्चुअली बिकेम माई सेकेंड होम एंड मी एंड माई टीम वी वुड बी सो एक्साइटेड टू गो बैक टू हैदराबाद, स्पेशली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ जिस तरह का प्यार इन्होंने हमें दिया है. वी फेल्ट लाइक वी वर एट होम, एब्सोल्यूटली एट होम. And we were like, looking forward to going to set every day. And so much kindness, so much love, so much kindness from everyone. And of course, to work with Prabhas, I mean, I don't know where to start. He is, everyone knows he is, of course, he's a huge superstar. But he has the most amazing heart. So me and my team, we were just
like in awe of that. So yeah, we had a blast. Also, हमने आपके social media sites, जितने भी social media platforms हैं, वहाँ पर देखा है कि you know आप हैदराबादी खाने को कितना ज़्यादा प्यार दे रही थी वहाँ पे. So उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि प्रभास क्या-क्या you know उन्होंने किस-किस dish से आपको introduce करवाया कि you know this is special or this like that. प्रभास एंड द होल टीम, यूवी क्रिएशंस टीम, एज आई सेड कि बिल्कुल घर जैसा माहौल बन गया था. तो आई थिंक दैट एवरी वन ऑन द यूनिट वॉज सो हैप्पी बिकॉज यू इफ़ यू फीड पीपल राइट यू नो यू वर्क बेटर यू फील बेटर टू कम टू सेट. एंड द बेस्ट फूड आई हैव एवर हैड वॉज ऑन दिस सेट. एंड अपार्ट फ्रॉम द फूड ऑल्सो, एज आई सेड, देयर सो मच रिस्पेक्ट दैट ऑल ऑफ अस गॉट ऑन द सेट्स. So that was very, very, very valuable.